आप देख रहे हैं अपना समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप सभी लोगों को, हमारी बहन लोग, दोस्त मित्र, नौजवान साथी, आप सब लोगों ने आज ये बता दिया है कि फिर एक बार से श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। श्री नरेंद्र एक बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यह खुला देश चाहता है। श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हमारे देश को शक्तिशाली बनाया है, गांव गांव के लोगों को, गरीबों को, सबको समझा है, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। तो जब फिर से वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो मैं इसलिए आया हूं कि आजमगढ़ के लोग ये बता दें कि अगर श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो आजमगढ़ का बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। और एक बात और ध्यान रखिए आप लोग, पूरे हिंदुस्तान में जितना सपोर्ट, जितना वोट नरेंद्र मोदी जी को मिले, मैं चाहता हूं कि उससे सबसे ज्यादा सपोर्ट और वोट आजमगढ़ की जनता का मिलना चाहिए। तो आप लोग एक बार नारा लगाएंगे मेरे साथ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, धन्यवाद आप सभी को। क्योंकि जयसान की व्यवस्था है, हम सब उतरेंगे तो दिक्कत होगी, आप सबसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि रथ बहुत दूर तक लाखों लोग आगे इंतजार कर रहे हैं। और देखिए आपके दिनेश कुछ कहना चाहते, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो प्यार दिया है वो देख के ही पेट भर गया हम लोगों का। तो कोई चिंता की बात नहीं, जो भी व्यवस्था है तो आप लोग थोड़ा जलपान कर लीजिए। और हम लोगों को बहुत लंबा रास्ता तय करना है, बहुत लोग खड़े हैं रास्ते में, तो क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ये जरूर है कि हम आएंगे आप लोगों के बीच में, फिर से आएंगे और आकर के आप लोग के साथ खाना भी खाएंगे। भारत माता की, भारत माता की।